जॉन जॉन जॉन। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि इस बंदे को जॉन कहूँ या सुपरमैन। साला कितनी भी गोली लगे, कितनी भी मार खाए, कुछ होता ही नहीं, उल्टा और ज़्यादा एनर्जेटिक फॉर्म में फाइट करता है। काश ये पावर मेरे पास भी होती। सो आज हम बात करेंगे जॉन विक फ्रेंचाइजी के फोर्थ पार्ट की मूवी के बारे में, जो कल ही रिलीज हुई है और मैंने इसे एक्सपीरियंस किया हिंदी में, वो भी 2D में। 2 घंटे 50 मिनट जितनी लंबी मूवी में कूट कूट कर एक्शन भरा है। मतलब जहां देखो एक्शन ही एक्शन, और वो भी कोई हल्के लेवल की नहीं बल्कि बाप लेवल का। मतलब सच में यार, ये मूवी देखकर तो ऐसा लगता है कि इसने अब आने वाले एक्शन मूवीज़ के सामने एक बेंचमार्क सेट कर दी है। भाई साहब, इसके जो स्टंट कोरियोग्राफर हैं उन्होंने सच में बहुत मेहनत करवाई है अपने जॉन भाई से। आग लेवल है ये मूवी स्टंट के मामले में। स्टोरी की बात ना ही करूँ तो अच्छा होगा, वरना ये स्पॉइलर होगा। बस इतना कहूँगा कि स्टोरी ठीक वहीं से आगे बढ़ती है जहाँ से इसकी थर्ड पार्ट ख़त्म हुई थी। यानी अब हाई टेबल और जॉन का आमना सामना है, और वो भी कुछ न्यू एंट्रीज के साथ में, जिसमें से एक कैरेक्टर है केन का। भाई इस कैरेक्टर ने मुझे पूरी डे डेविल की वाइब्स दी है। ये बहुत दमदार और बहुत ख़तरनाक कैरेक्टर है पूरे जॉन विक मूवी का। बाकी तो आप खुद जाके देखिए और एक्सपीरियंस कीजिए। एक्शन, BGM और साथ में एक्टिंग, ये तीनों का तड़का मूवी में जान डालता है, और साथ में मूवी को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है इसकी सिनेमाटोग्राफी। सीरियसली हॉलीवुड की सिनेमाटोग्राफी मेहनत साफ दिखती है सबकी इस मूवी में। मूवी का जो लास्ट एक्शन सीन है वो इस मूवी को बाप लेवल बनाती है। सीरियसली मतलब एक्शन लवर्स के लिए ये एक स्टैंडर्ड सेट करती है। मुझे पक्का विश्वास है कि हमारे कुछ कॉपीकर मूवी मेकर्स अपनी आंखें गड़ा के बैठे हैं इस मूवी के एक्शंस को कॉपी करने के लिए, और इसी पे अपनी जली पकी रोटी सेकेंगे आने वाले कुछ ईयर्स तक। खैर ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा, बस हाँ लास्ट में इतना ज़रूर कहूँगा कि मूवी ख़त्म होने के बाद कहीं मत जाइएगा। जी हाँ, सही सुना आपने, इसमें एंड क्रेडिट सीन भी है जो फ्यूचर में इस मूवी के प्लान्स के बारे में हिंट देगी। तो मेरे तरफ से मैं दूंगा इस मूवी को 5 में से 4 स्टार। 1 स्टार मैं सिर्फ इसकी इतनी लंबी लेंथ के लिए काटूंगा, क्योंकि सिनेमाटोग्राफी तगड़ी करने के कारण इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा ही लंबी कर दी, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ी छोटी हो सकती थी। बाकी तो ये मूवी हर एक्शन लवर्स के लिए बाप लेवल की है। ये मूवी आप किसी के भी साथ देख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई न्यूडिटी और कोई फालतू की गालियाँ नहीं है। बस हाँ, थोड़ी ब्रूटल है क्योंकि एक्शन के कारण। सो जाएं और इस मूवी को एंजॉय करें अपने नज़दीकी सिनेमाज में। बाकी आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।